नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत अजनोहा। जैसा कि आपने देखा है, हमारा हमेशा प्रयत्न रहता है कि जब भी कोई सेलिब्रिटी या कोई शख्सियत ऐसी हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों के आवाम के कोर्ट में लाते हैं, उनके समक्ष लाते हैं कि भैया ये समाज के लिए कुछ कर रहे हैं या करने की चेष्टा कर रहे हैं, और साथ ही साथ विभिन्न विभागों के जो मुखी होते हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको हम अपने चैनल के माध्यम से अपने लोगों के समक्ष लाते हैं। इसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे IPS अधिकारी मिस्टर तुषार गुप्ता जी, जो IPS करने के बाद उनकी जो फर्स्ट पोस्टिंग है जिला हुशियारपुर के जो STM ऑफिस गढ़शंकर जो है, वहाँ पे उन्होंने DSP ASP के तौर पे उन्होंने ये ज्वाइन किया है। बात करेंगे उनसे, वो उनका पहले तो हम स्वागत करते हैं, उसके बाद हम आगे की जो बातचीत है वो करेंगे। सर आपका स्वागत। थैंक यू। तो सर, जैसे आपकी जो प्रथम पोस्टिंग है जहाँ गढ़शंकर में बतौर ASP, तो सर आप बताइए जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जो IPS के बाद पहली ये पोस्टिंग है? हमारी 2 साल की ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर 6 महीने का डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का कॉम्पोनेंट भी होता है, जिसके अंदर मेरी पोस्टिंग रही थी तरन तारण में बतौर SHO सिटी तरन तारण। तो तब हमको काफ़ी एक्सपीरियंस लेने को मिलता है कि हमारी पुलिसिंग ऑन ग्राउंड एक्चुअली कैसे काम करती है। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद DGP सर ने मेरे को गढ़शंकर का पहला चार्ज दिया है, एंड आई एम वेरी होपफुल कि बहुत सारे यहाँ काम करने के लिए मैं उसको बड़े अच्छे से करें। सर अक्सर देखा गया है, बात करें हैं IPS की, जैसे आपका IPS अधिकारी हैं, बहुत बार हम बात करते हैं IPS, वो बोल रहे हैं उनका होता है कि भैया मैंने IAS निकालनी थी, जब मैंने सिविल में जाना, जुडिशियल में जाना, आपने IPS किया है, तो अभी की अभी हमारी बात हुई है, आप पंजाब काडर के हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, तो ये आपका ये कैसे ये लगा, आपको नहीं आप लग रहा था कि आप IAS भी कर सकते थे? बात ये थी कि जब मैं अपने ग्रेजुएशन के 4th ईयर में था, तब मैं और मेरे पिताजी एक दिन शाम में बैठे, हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की कि हम आगे क्या करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे डिसाइड हुआ कि सिविल सर्विसेज इज़ अ वे वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप, जहाँ पे हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो मेरे जो फादर हैं वो भी एक यूनिफॉर्म सर्विसेज का पार्ट हैं, तो हमारा शुरू से सपना था कि हम IPS के अंदर ही जाना चाहते हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम में ये था कि चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो या पुलिस सर्विस हो, दोनों के अंदर बहुत स्कोप होता है कि हम एक जो पब्लिक है उनको एक डायरेक्ट इंटरफेस, एक डायरेक्ट अप्रोच के साथ में काफ़ी कुछ हम उनके लिए कर सकें। तो इसलिए जब मेरे को इंडियन पुलिस सर्विस अलॉट हुआ तो मैं उस चीज़ से बहुत खुश था, और इसलिए आई केम इन टू द सर्विस वेरी हैप्पीली, नॉट विद एनी थिंग कि आई वांट टू गिव अगेन। सर आपने बताया आप थाना प्रमुख SHO रहे हैं तरन तारण में, वहाँ पे आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, तो अभी आप यहाँ पे ASP के रूप में हैं, अभी SHO और अभी दिन शॉर्ट टाइम आप पुलिस जिला प्रमुख भी लग जाएंगे, क्योंकि ये जो तो आपकी ट्रेनिंग होती है, तो इसी दौरान आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, आप वहाँ पे जो तरन तारण में आपको यहाँ पे ज्वाइन किए हुए काफ़ी दिन हो गए, तो आपको कैसा मतलब लगा कि यहाँ पे उस वहाँ से जो लॉ एंड ऑर्डर है आप यहाँ पे मेंटेन करने में कितना साथ हुए हैं? अभी रिसेंटली हमारे फार्मर्स एजिटेशन हुई थी गढ़शंकर के अंदर भी, तीनों थानों में एजिटेशन रही थी। मैंने ये देखा है कि स्पेशली होशियारपुर के जितने भी लोग की है ये काफ़ी कोऑपरेटिव है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो मैनेज हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो मेरा फोकस यहाँ पे रहेगा वो रहेगा एक थोड़ा सा नारकोटिक्स का इशू, और जब नशे का इशू चल रहा है अपने होशियारपुर, एक वो रहेगा, दूसरा रहेगा ट्रैफिक का इशू, जिसे भी असी जो भी ट्रिपलिंग वगैरह हैगी और जिना भी गड्डियाँ विच नंबर प्लेट्स नहीं हैगी, इन दोवों के ऊपर असी काफ़ी फोकस रखेंगे। तो जब मैंने ये भी देखे थे ट्रैवल एजेंट्स के काफ़ी केसेस है, उस जो पुरानी पेंडेंसी है वो भी असी कटेंगे, और जो भी सानू नए केसेस आते हैं वो अंदर स्विफ्ट एक्शन लिया जाएगा, ताकि जो भी सफ़र कर रहे हैं उन्होंने असी हेल्प कर सकें। सर अभी बात कर रहे थे हम जी लॉ एंड ऑर्डर की, आपने ट्रैफिक की बताई है, और दूसरा जो माइनिंग की है, यहाँ पे माइनिंग भी बहुत है, यहाँ हेलेरी के साथ ही लगते हैं, इस पर भी आपने देखा होगा। दूसरा जो ट्रैवल एजेंट्स की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत से केसेज हैं, कुछ बात आ रहे हैं आपके पास भी आएंगे, क्योंकि लोगों को लगा है IPS अधिकारी हैं, जहाँ पे लोग हिसाब पर लोग समझते हैं कि जो कौन सा प्रोबेशनर है क्या कर सकते हैं और किसकी भावना के, जैसे बहुत बार हम देखा है हमारे पंजाब में भी देखा है, आज के जो सियासत के लोग हैं, लोगों ने बनाया हुआ है कोई भी अधिकारी लगाना है, किसी भी क्षेत्र में लाना है, गढ़शंकर में लाना है, डिस्ट्रिक्ट में लाना है, तो जो सियासी लोग वहाँ का जो विधायक होता है या मंत्री होता है उसी की मर्जी से लगता है, क्या आपको लगा कहीं ऐसा आपकी पोस्टिंग में ऐसा कुछ हुआ? नहीं, स्पेशली जो नए IPS अधिकारी लगते हैं उसके अंदर ये डिसीजन DGP सर लेते हैं जी,
उसमें से कोई डिसीजन मैनू तो नहीं लगा कि किसी का कोई दबाव रहा सी। इस करके मेरे को लगता है कि मेरी वर्किंग के अंदर काफ़ी इंडिपेंडेंस हैगी इस हिसाब से, तो जो भी गलत काम हो रहा है सारा जो कार्रवाई हैगी पुलिस कार्रवाई वो मेरे पे होगी, और जो भी गलत और गैर कानूनी काम करेगा उसके ऊपर मैं खुद पर्सनली एक्शन लूंगा, इस चीज़ को इंश्योर भी मैं करूंगा। ऐसा लास्ट ऐप हम ये बातचीत करते थे हम इसी के बाद, अगर हमने यहाँ पे गढ़शंकर में बात की, आप सब डिवीजन की बात करते हैं, अभी आप पोस्टेड हैं बतौर एसपी, क्योंकि आपके क्षेत्र में काफ़ी होना है, आप आईपीएस हैं और इन फ्यूचर जो आपके बहुत क्षेत्र आपके बागवाही में आएगा, आपके नेतृत्व में आएगा, आपके अंतर्गत आएगा, आप करेंगे बहुत से अधिकारी आ जाएंगे, जैसे यहाँ से आप जॉब करके जाएंगे, वहाँ से आप तरन तरन से आए हैं, जिन अधिकारियों के पास से आपने शिक्षा लिया, आईपीएस होने के बाद भी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो आपके कभी लग रहा है वो अधिकारी आप आईपीएस थे तो वहाँ छोटे से जो इंस्पेक्टर हैं डीएसपी हैं या कोई भी है, तो आपको कैसा लगा जब उनके आप अंतर्गत काम करते थे? अब गल ये है कि चाहे इंस्पेक्टर हो गए या सब इंस्पेक्टर हो गए या एएसआई हेड कांस्टेबल कोई भी हो, असी जब नए नए सर्विस में आते हैं उनका एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए उनको गुरु मान के उनसे सीखना जो अच्छी चीज़ें हैं उस चीज़ में विश्वास रखता हूँ। आज भी जो है मैं अपने डिसीजन लेता हूँ पूरी कंसल्टेशन के बाद लेता हूँ कि हैगा किस तरीके से चल रहा है, डिसीजन कलेक्टिवली लेना हमेशा बेहतर होता है ये मेरे को लगता है, और सीखने में मेरे को ऐसी झिझक नहीं होती कि मैं आईपीएस अफसर हूँ तो मैं इससे कैसे पूछ लूँ कैसे सीख लूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सबके मैं कदर करता हूँ एक्सपीरियंस की, जेदे को एक्सपीरियंस है जो ऑनेस्ट है जिस जेदे अंदर इंटेग्रिटी है उससे मेरे को एडवाइस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सर, एक काम बात यही जहाँ पे बात करनी थी ये कानून की, जैसे आपने बोला स्ट्रिक्टली आप करेंगे, मैंने ये बात इसको दोबारा फिर से मैं ये सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि हम देखते हैं बहुत से अधिकारी आते हैं यहाँ पे बातचीत करते हैं, उसके बाद उनको काम करने की जो उनकी परफॉर्मेंस होती है उसमें कोई ना कोई पोलिटिकल प्रेशर आ जाता है, आपका भी इन फ्यूचर हो सकता है मे बी तजर्बा हो इसी तरह के लोगों का, जैसे उनको ऐसा अगर आपकी लाइफ में कभी हमारी ये विषय है हम ये पूछना चाहते हैं, क्योंकि आपके आगे जब आप एसएसपी बन जाएंगे तब जो ये बातचीत हम बात को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपका भी स्टार्टिंग है, हमने भी हमने कोशिश की है कि हम जहाँ से बात करेंगे जब आप एसएसपी लग जाएंगे वहाँ से हम नहीं बचे पूरे पूछेंगे, तो अगर ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे तो आप क्या ढंग रहेगा, क्या तरीका रहेगा काम करने का? गल ये है कि मेरी जो अपब्रिंगिंग रही है वो एक मिलिट्री बैकग्राउंड में चाहिए जी, जिस करके डिसिप्लिन ऑनेस्टी इंटेग्रिटी जो है वो मैंने बचपन से सीखी, तो किसी भी टाइप के जो प्रेशर्स है मतलब आई विल नॉट बेंड टू एनी प्रेशर, एक्शंस विच विल बी टेकन बाय द पुलिस विल बी वेरी ऑब्जेक्टिव वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ। थैंक यू सर, आपने देखा आईपीएस तुषार गुप्ता जी से हमने बात की, हमने कोशिश की है उनसे बातचीत करें, जो हमारे यहाँ पे मुद्दे हैं जहाँ बहुत सी जरूरतें हैं, जहाँ पे लोग इनके पास आते हैं, बहुत से लोग आते हैं भैया हमें जस्टिस मिले, तो जो इन्होंने बताया हम कोशिश करेंगे, हमारा ये तमन्ना भी रही है, हमारी ये आशा भी है उनसे ये आगे भी जाकर भविष्य में भी ऐसे ही काम करेंगे जो अभी इन्होंने यहाँ पे बोला है, कोशिश करेंगे हमने जो तुषार गुप्ता जी ने शर प्रसिद्ध दर्जी अजनोहा।